दोस्तों आज की कहानी है। मम्मी जी यहाँ आकर तो थोड़े दिन आराम कर लीजिए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अब जब बेंगलोर तुम लोगों के पास रहने आई हूँ तो जितने दिन भी यहाँ रहना है तो मुझको तो भाई एक समय तो डोसा इडली सांभर अप्पे और साउथ इंडियन डिशेज ही खानी है। अब तुम लोग अपना और अपने पापा का देख लो, क्योंकि तुम लोग जानते ही हो कि मुझको डोसा और सारी साउथ इंडियन डिशेज कितनी ज़्यादा पसंद है। समीक्षा अपने बच्चों के पास बेंगलोर पहुँचते ही बोली, क्योंकि वो सचमुच डोसे और साउथ इंडियन फूड्स की वो बहुत बड़ी शौकीन थी। यहाँ उत्तर भारत में भी वो डोसा और साउथ इंडियन फूड्स खाती तो थी, लेकिन इससे पहले जब वह बच्चों के पास बेंगलोर आई थी और उसने यहाँ बेंगलोर का डोसा और साउथ इंडियन फूड्स खाया, तब से वो यहाँ के खाने की जैसे मुरीद हो गई। अरे अगर तुम डोसा और सब साउथ इंडियन डिशेस खाओगे तो हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं, हम भी एक समय साउथ इंडियन डिशेज ही खाएंगे, कौशल मुस्कुराते हुए बोले। तो फिर ते रहा सत्याक्षी, जब तक मम्मी पापा यहाँ है तो डिनर साउथ इंडियन रेस्टोरेंट कृष्ण कुटीर में ही होगा। उमंग संताक्षी की ओर देखकर बोला, जो आज्ञा पति देव। और जैसे ईसा मम्मी जी और पापा जी की संताक्षी स्वभाव अनुसार मुस्कुराते हुए बोली। समीक्षा और कौशल लगभग महीना भर अपनी व्यस्त दुनिया से समय निकालकर बच्चों के पास रहने के लिए आए थे। एक दिन शाम को सताक्षी समीक्षा और कौशल को साय के लिए बुलाने उनके कमरे में जा रही थी, तभी वह उन दोनों की बातें सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गई। सचमुच समीक्षा, सैल्यूट करता हूँ, तुम महिलाओं की बुद्धि को रात के खाने में साउथ इंडियन डिशेज का ऑप्शन रखने के लिए, इससे बहू को भी एक समय खाना बनाने से आराम मिल जाता है। और वो अपना शाम का पूरा समय उमंग के साथ हम लोगों के पास बैठकर हंसी मस्ती में गुजार पाती हैं, वरना वो रसोई में ही झूठी रहती थी और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाती है। कौशल समीक्षा का हाल पकड़ कर बोले, जी पिछली बार हम लोग जब आए थे तो सताक्षी का ज़्यादातर समय रसोई में ही बीत जाता था और मुझको भी जल्दी वो कोई काम ये कहकर नहीं करने देती थी कि आप तो सब कुछ अकेले संभालते ही हैं, यहाँ तो आकर थोड़े दिन आराम कर लीजिए। लेकिन उसकी आदत है दो लोगों का खाना बनाने की, तो वह अकेले काम करते हुए थक भी जाती थी। यहाँ मैड तो वैसे भी जल्दी नहीं मिल पाती, बस तभी मैंने सोच लिया था कि अगली बार जब बच्चों के पास रहने आऊंगी तो बस डिनर में साउथ इंडियन खाना ही चलेगा और फिर बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर किस बात की दिक्कत, क्योंकि मुझको तो सचमुच ये सब खाना पीना बहुत पसंद है। वह भी खुश और हम भी खुश और फिर बच्चे हम लोगों के पास शाम को बेफिक्र होकर बैठकर मस्ती भी तो कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग भी यहाँ उनके पास थोड़े दिनों के लिए मस्ती करने ही तो आते हैं, वरना बहु रसोई में और हम लोग टीवी के सामने। समीक्षा भी कौशल का हाथ पकड़ कर बोली। तभी सताक्षी साई लेकर अंदर आ गई। सली आप लोगों के गर्मा गर्म अदरक वाली साई तैयार है। और सताक्षी समीक्षा के पैरों पर झुक गई है, किस लिए हम अभी जा नहीं रहे हैं। समीक्षा सताक्षी की ओर निहार कर बोली, मम्मी जी आप सचमुच बहुत अच्छी हैं, लोग यूं ही सास को बदनाम करते हैं। आप लोगों की बातें सुनकर सुनना तो नहीं सही है, लेकिन मैंने आप लोगों की बातें सुनकर सुन ली। सताक्षी समीक्षा का हाथ पकड़ कर बोली, अच्छा तुमने हम लोगों की बातें सुनकर सुन ली, अब तो तुमको पनिशमेंट जरूर मिलेगी। मम्मी जी आप चाहे तो मुझको कोई भी पनिशमेंट दे दीजिए, लेकिन फिर भी
आप सचमुच बहुत अच्छी हैं, शतांशी हाथ जोड़ते हुए बोली। अरे बहू की तकलीफ सास नहीं समझेगी। तो कौन समझेगा, वो भी तो बेटी समान होती है, समीक्षा ने मुस्कुरा कर कहा। अब ज्यादा बटरिंग बाजी नहीं, वरना बार सही रखे रखे ठंडी हो जाएगी। हाँ जल्दी चलिए, क्योंकि आप लोगों को तो बिल्कुल गर्मा गर्म साई पसंद है। और थोड़ी ही देर में तीनों लोग बैठे साई की सुस्कियाँ ले